हाय माय लवली यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी, जिसमें एक सब्सक्राइबर ने अपनी ड्रीम वॉच को मैनिफेस्ट किया। इनका नाम है सुरुचि जैन और ये इस समय कैलकटा में एक कॉल सेंटर कंपनी में काम करती हैं। ये रहती हैं सॉल्ट लेक सिटी में और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। दोस्तों, सुरुचि जैन को घड़ियों का बहुत शौक है। इन्हें कई ब्रांड्स की घड़ियाँ इन्हें अच्छी लगती हैं। ये बोलती है कि कपड़ों से ज़्यादा मुझे घड़ियों का शौक है, मेरे पास एक बड़ा कलेक्शन है। और सुरुचि की फ्रेंड एक मैगजीन लेके आई थी, एक फैशन मैगजीन, जिसमें शनैल J12 वॉच की पिक्चर छपी हुई थी। और जैसे ही सुरुचि ने उस वॉच को देखा, इनके दिमाग में उस दिन से था कि मुझे ये वॉच लेनी ही लेनी है। लेकिन इस वॉच की कीमत थी $5,000, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 3,60,000 रुपए। सुरुचि के लिए इतना पैसा सिर्फ एक घड़ी में इन्वेस्ट करना उस समय पॉसिबल नहीं था। क्या हुआ कि लेकिन ये हर दिन उस मैगजीन की उस पिक्चर को इन्होंने अपने मोबाइल में कैच कर लिया था, क्लिक कर लिया था, और हर दिन उस पिक्चर को देखती थी और ऐसा महसूस करती थी कि मुझे वो वॉच मिल गई है, मेरे हाथों में है और फ्रेंड्स वाव कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद सुरुचि का बर्थडे था और सुरुचि की फ्रेंड ने उन्हें एक वॉच गिफ्ट की जो हूबहू शनैल J12 की तरह दिखती थी, बट इट वॉज अ डुप्लीकेट वॉच। पर फिर भी सुरुचि ने इसे एक साइन की तरह लिया और भगवान को धन्यवाद दिया कि रियल J12 ना सही, उसकी फेक कॉपी तो सही मेरे हाथों में आ गई है। एंड शी फेल्ट दैट फ्रॉम दैट डे इन्होंने महसूस करना शुरू किया कि ये फेक J12 नहीं है, ये ओरिजिनल J12 है। एंड आई गॉट इट एनी हाउ। और हर दिन वो इमेजिन करने लगी और इस पिक्चर को देखकर अच्छा महसूस करने लगी। सुरुचि ने कहा कि मुझे उस फीलिंग को इन्वोक करने में इतना मजा आता था कि मुझे J12 की जरूरत ही नहीं थी। वो जो फेक J12 पहनती थी, वॉच पहनती थी, उससे उनको बड़ा मजा आ रहा था। एंड एवरी सिंगल डे, वाओ माय शनैल वॉच इज सो ब्यूटीफुल, द कलर, द प्योर वाइट कलर, शी वांटेड दैट वाइट कलर। सो दैट वॉज द थिंग। उसके बाद क्या हुआ कि वुमेन्स डे पर ये अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में गई थी। उस मॉल में ब्रांडेड वॉचेस की शॉप थी और वहाँ पे शनैल J12 लगी थी, दैट ओरिजिनल शनैल J12 लगी थी। और उन्होंने देखा तो फर्स्ट टाइम शी सॉ दैट एंड शी फेल्ट लाइक वाओ, मेस्मराइज बाय दैट वॉच। और इन्होंने ये सोचा कि कैसे मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तभी उन्होंने देखा कि जहाँ शनैल की ब्रांड की वॉच थी, वहाँ पे पीछे बड़ा सा एक पैम्पलेट लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था विन शनैल J12 कॉन्टेस्ट। तो उसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। उस कॉन्टेस्ट में ये करना था कि इन्हें 100 शब्दों में एक कहानी या एक कविता लिखनी थी जिसमें ये शनैल J12 को पहनकर क्या महसूस करती हैं, इनकी लाइफ में क्या चेंज आता है, उसको इन्हें डिस्क्राइब करना था। तो ये गई उस कॉन्टेस्ट के लिए, टाइम था 1 हफ्ते का। तो ये घर गई, एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, तीसरे दिन उन्होंने एक पोयम के फॉर्म में 100 वर्ड्स में शनैल J12 को डिस्क्राइब किया एज अ फेरी टेल। इन्होंने उसे इतना खूबसूरती से डिस्क्राइब किया कि जैसे ये शनैल J12 को पहनकर एक प्रिंसेस बन गई हैं, शी फेल्ट लाइक प्रिंसेस। और उसी फीलिंग को उन्होंने पोयम में पिरो दिया और जाके जो कॉन्टेस्ट का बॉक्स था उसमें सबमिट कर दिया। और उसके बाद ये भूल गई। फिर एक दिन ये ऑफिस में काम कर रही थी और उस मॉल से इनको कॉल आया कि आप लकी विनर हैं शनैल J12 वॉच की। और शी फेल्ट मेस्मराइज्ड बाय इट और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एकदम से भगवान को धन्यवाद देने लगी और तुरंत ही उन्होंने मुझे ईमेल कर दिया कि आई गॉट दैट एंड शी लाइक वाओ, थैंक यू दी फॉर दोज अमेजिंग विजुअलाइजेशन टिप्स यू गेव मी। एंड उसके बाद ये दौड़ कर गई और इन्होंने अपनी उस विनिंग शनैल J12 वॉच को
अपनी कलाई पर पहना। शी फेल्ट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और तब से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। अपनी जॉब में रेज को मैनिफेस्ट किया और परफेक्ट हॉस्टल मैनिफेस्ट किया अपने लिए जहाँ वो रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें कितनी अमेजिंग है ना दोस्तों, किस तरह से सुरभि ने 3,60,000 रुपए की वॉच को फ्री में मैनिफेस्ट किया, जस्ट फॉर फ्री। आप भी ये कर सकते हैं। और सुरभि की फोटोज और सुरभि का कॉन्फिडेंस हमें ये कॉन्फिडेंस दिलाता है, ये विश्वास दिलाता है कि हम सब को क्रिएटर्स हैं और हम सब अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं। तो क्यों ना जिए, है ना अमेजिंग से सक्सेस स्टोरी। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।